नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूँ बेनजीर हाशमी। खबरों में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा तरीन सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में मिला हिडन कैमरा से मचा बवाल। 300 वीडियो फोटोज हुई लीक। आधी रात में छात्राओं ने किया प्रदर्शन, आरोपी बीटेक स्टूडेंट गिरफ्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर, कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस के कई नेता किए गए नजरबंद। अरब सागर में अगस्त में 48 साल बाद तूफान की आशंका। 75 kmph की रफ्तार से चलेगी तेज हवाएं। कच्छ में खाली कराए गए मकान। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने अगले 6 महीने में राज्य में शांति बहाल करने का किया दावा। सीएम पद से इस्तीफा देने को लेकर कहा, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं इस्तीफा क्यों दूं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज टीएमसी और भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा ताला लगा अभियान के तहत राज्य महिला आयोग के ऑफिस का किया घेराव। रेप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग करते हुए पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। उन्होंने कहा कि उनके पिछले खत को लेकर पीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महायुक्ति सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा। संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी प्रतिमा मामले में किया सरकार को जूते मारो आंदोलन का ऐलान। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल फिलहाल सभी पार्टियों अपने अपने वोट बैंक को साधने की तैयारी में लगी हुई है। वहीं अब लोकसभा में भारी नुकसान झेलने के बाद भाजपा जाट वोट बैंक को रिझाने की कोशिश कर रही है। भाजपा के नेता जाट वोट बैंक को अपने पाले में खींचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है। बता दें कि जाट वोट बैंक को रिझाने के प्रयास में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जाट देशभक्त है और प्रदेश में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देंगे। साथ ही सीएम ने कहा कि जाट देशभक्त कौम है जो हुड्डा के विकास को नहीं बल्कि हरियाणा और देश के विकास में योगदान देने के पक्षधर है। तो वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के बीच सीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने घेरने का प्रयास किया है। सीएम सैनी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा अब देशभक्ति के लेटर बांटने लगी है। भाजपा को डर सताने लगा है कि कहीं जाटों का पूरा वोट कांग्रेस ना शिफ्ट कर ले। इसी वजह से अब सीएम सैनी ने जाटों की देशभक्ति को याद किया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल मडोली का बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मोहन लाल ने कहा कि वह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और वे सभी 90 सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने का काम करेंगे। आपको साथ में ये भी बता दें कि सीएम सैनी लडवा से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर कहा कि आज सूची जारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अभी 1 से 2 दिन और लग सकते हैं और बाकी बची हुई सीटों पर भी जल्द बैठक होगी, तभी फैसला लिया जाएगा। बताते चले कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 सीटों पर चर्चा हुई है और कुछ नेताओं को शॉर्ट लिस्ट भी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर चर्चा के लिए 2 दिन का समय और लगेगा, 2 दिन के बाद फिर से बैठक होगी। अभी कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है, सभी नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं और सारी लिस्ट एक साथ नहीं आएगी। उधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की कार्रवाई के बाद राजनीति में खलबली मच गई है, जहां हुड्डा ने मामले से दूरी बनाने का प्रयास किया। बता दें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईडी द्वारा अपने से जुड़े एक मामले में 834 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त किए जाने पर कहा कि ये पुराना मामला है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। साथ ही हुड्डा ने मामले को खारिज करते हुए जोर देकर कहा कि उनका मामले से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई राजनीति से प्रेरित हो सकती है और उनके खिलाफ इसे बेवजह उछाला जा रहा है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद हुड्डा बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी नेता अनिल विज ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिस आदमी पर केस चल रहा है वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सांसदों को लड़ाने से इनकार करने के बाद
कांग्रेस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल जानकारी के अनुसार दो या इससे अधिक बार चुनाव हारने वालों को कांग्रेस टिकट नहीं देगी। साथ ही पार्टी में एक साल या इससे कम समय पहले आए नेताओं को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। सूत्रों से खबर है कि पार्टी पुराने सिपाहियों पर ही दांव खेलने की सोच रही है। दरअसल हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने इस फैसलों की पुष्टि की है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी दिन हुई बैठक में प्रदेश के 25 विधानसभा हलकों को लेकर मंथन किया गया। बैठक के पहले दिन कांग्रेस ने किसी भी सांसद अथवा राज्यसभा सदस्य को विधानसभा चुनाव का टिकट देने से इनकार कर दिया था। अब दो या दो से अधिक बार से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके दावेदारों का पत्ता भी काट दिया गया है। साथ ही जिन नेताओं को कांग्रेस में शामिल हुए एक या इससे ज्यादा समय हुआ है उन्हें भी टिकट नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस के इस फैसले से भी कई नेताओं की परेशानियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि पिछले एक साल में कांग्रेस में 20 से अधिक पूर्व विधायक शामिल हुए हैं। हरियाणा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, वहीं सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। बता दें, इस कड़ी में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भाजपा प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाएगी। साथ ही कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयार है और तीसरी बार सत्ता में आने जा रही है। विज ने कहा कि जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा तब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इस बयान से साफ है कि भाजपा हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। वहीं अब देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी करता है और भाजपा अपनी चुनावी रणनीति को कैसे आगे बढ़ाती है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार।